सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कृष्णा जन्माष्टमी के ऊपर फोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे भाई, आज का एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होगा, उतना हाई भी नहीं होगा मेरे भाई, उतना मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है ना कि अच्छे तरीके से एडिट नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा लोग वीडियो में इधर उधर घुमा देते हैं। तो लेकिन मेरे भाई, आज ना मैं वीडियो में ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, और बहुत ही आसान स्टेप में आप सबको फोटो एडिट करके दिखा दूंगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। देख लीजिए मेरे भाई, बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा बिफोर है, और आफ्टर यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना, अपना ओरिजिनल फोटो को ले लेना है। एंड ओरिजिनल फोटो को लेने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, इसी फोटो को ना डायरेक्ट यहाँ से आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो चलिए मेरे भाई, फटाफट से क्या करते हैं, हम लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऑल फोटो के ऊपर क्लिक करना होगा। ऑल फोटो के ऊपर जैसे ही क्लिक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, उसके बाद अब आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं ये वाले प्रीसेट का लिंक दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। इस वाले प्रीसेट का लिंक आप इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे भाई डाउनलोड करने से पहले आप इसका प्रोसेस देख लीजिए क्या है, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ कॉपी सेटिंग ऊपर क्लिक करेंगे और सही के निशान पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे। और उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, ये अपना ओरिजिनल फोटो को सिलेक्ट करना है, और ओरिजिनल फोटो को सिलेक्ट करने के बाद वन क्लिक में आप पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे ही पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा फोटो दिखने लगेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मिक्स के ऊपर आएंगे, और इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और इसका सिचुएशन भी थोड़ा सा हम इतना पे कम कर देंगे, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन एंड लुमिनस को बढ़ा देना है इतना पे। और इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से इसको क्या करना है, शेयर कर देना है कहाँ पे, तो पिक्सट एप्लीकेशन में। पिक्सट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। सबसे पहले ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और दो चार PNG है मेरे भाई, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, इसको और इसको ऐड करते हैं अभी। ऐड करने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ इसको ऐसे करके यहाँ पर इसको आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं इतना पे, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा फीका फीका सा दिख रहा होगा, लेकिन देखिए मेरे भोकाल तरीके से दिखेगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद मेरे भाई, ये वाले PNG को भी लेकर यहाँ ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ से आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि देख लीजिए मेरे भाई, मैं कितने अच्छे तरीके से सेट कर दिया। उसके बाद मेरे भाई, और बहुत सारा PNG है, जो ये PNG रहा इसको भी ले लेंगे, और लेने के बाद मेरे भाई आप चाहे तो इसको यहाँ पर रख लीजिएगा, देख लीजिए इसको, मतलब जो आपको जहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए इसको यहाँ पे रख लीजिएगा, और इसको यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए मेरे भाई, और अच्छे तरीके से वॉच कीजिए आप लोग वीडियो को। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, आप चाहे तो इसको अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम नहीं यूज करेंगे अभी, और इसको ही यूज करेंगे, और यहाँ पर ले लेंगे मेरे भाई, और इसको यहाँ पर लेने के बाद इसको आराम से यहाँ से स्किन कर देंगे, और यहाँ पर इसको रख देंगे। इसके बाद मेरे भाई, फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, और ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाले PNG को ले लेंगे, और इसको भी सेम काम मेरे भाई, ब्लेंड करके स्किन कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर रख देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद मेरे भाई, और मेरे भाई जितना भी PNG होगा मेरा, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, और वहाँ से ये सारा PNG को आप लोग ले लीजिए इजी से, एकदम आसान तरीके से। यहाँ मेरे भाई, जो आपको कलर बेस्ट लगे वो कलर आप रख लीजिएगा, ये कलर मेरे को बेस्ट लगा, इसको मैं रख लिया। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को यहाँ से डायरेक्ट मेरे भाई सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद मेरे भाई, बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी फोटो को डायरेक्ट यहाँ से ले लेना है। लेने के बाद मेरे भाई, यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ से स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर करना है। उसके बाद टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ सेलेक्टिव ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है।
मेरे भाई जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ब्राइटनेस कम है तो वहाँ वहाँ आप ब्राइटनेस को इजीली बढ़ा सकते हैं, देख लीजिए। और यहाँ से भी आप इजीली थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा और सैचुरेशन को और एम्बियंस को, ठीक है ना। इतना काम हो जाने के बाद फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, डिटेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मेरे भाई इसका शार्पनेस को बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है, कहाँ पे, तो ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से क्या करते हैं, ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में हम शेयर कर लेते हैं। ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई यहाँ आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में आ जाना और ये वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, देख लीजिए मेरे भाई। और यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आपको सेटिंग को 5 को मतलब फॉलो जो होगा उसको 5 रखिएगा और स्ट्रेंथ जो होगा 11 रखिएगा। उसके बाद मेरे भाई कट कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे तरीके से आपको मतलब स्मूथ करना होगा। तो देखिए मेरे भाई मैं कैसे स्मूथ कर रहा हूँ, तो हमारा फेस कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। वैसे ही सेम टू सेम मेरे भाई आप भी अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, तभी आपका भी फोटो एकदम भौकाल तरीके से हो जाएगा। और मेरे भाई जब भी आप पूरा फुल स्मूथ कर लीजिएगा ना, तो आपका रिजल्ट बहुत ही भौकाल तरीके से निकल के आएगा मेरे भाई। तो आप लोग पूरा फुल स्मूथ कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसके वजह से मेरे भाई मैं फुल स्मूथ करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।